का मतलब अपना आइडिया बेचो। हमारा सबसे बड़ा सवाल है पॉल्यूशन का सलूशन क्या है। एक प्लान बनाए या आप खुद हमारे जेनेस को फेस कीजिए। हमारा पैनल डिसाइड करेगा कि कौन सा आइडिया अच्छा है और कौन सा आइडिया नहीं अच्छा है। हमारे तीनों जजेस के लिए जाओ जाओ। हमारी पहली जज वो करीना कपूर की इतनी बड़ी फैन है अभी क्या बताओ कितनी बड़ी फैन है। उसका नाम है राज लक्ष्मी। राज लक्ष्मी, ये पफ वाला हेयर स्टाइल किधर से सीखा? ये करीना कपूर की अगली फिल्म में आने वाला है। अच्छा बैठिए, स्वागत है आपका स्क्रैप इंडीज में। तो हमारा दूसरा गेस्ट है, उसका नाम है समर राजा। वेलकम समर राजा। हेलो, कल से परसों से मेरा मच्छी मत खाना। अरे हमारी तीसरी जज वो नन्हे से मुन्ने से एक लड़की है, उसका नाम है नरिता। आपने कभी सोचा था कि हमारे स्क्रैपी न्यूज़ में आप जज बनने वाली हैं? नहीं, कभी नहीं सोचा। कैसा लगा हमारे स्क्रैपी न्यूज़ में आके? बहुत अच्छा लगा। आइए बैठिए, अभी शुरू होता है हमारा रैपिड फायर राउंड। हमने आपके लिए जजेस एक कूल विसल दिया है। अगर आपको प्लान अच्छा लगे तो विसल बजाएं, अगर अच्छा नहीं लगे तो मत बजाइए। आइए देखते हैं हमारा पहला बिजनेस प्लान। मेरा नाम दिव्यानी है, मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। पहले लोगों को डिजीज होती थी और वो लोग को उनसे सफ़र करना पड़ता था, और अब मैं बाहर से डॉक्टर्स को बुलाऊंगी, वो लोग को कन्विंस करूंगी कि पीपल को ट्रीट करें, और फिर अगर वो लोग 350 एक पर के लिए ले रहे हैं तो मुझे भी 50 रुपीज़ दें, क्योंकि जो मैंने रूम रेंट पे लिया है जो मुझे मनी लगेगा उनके कन्विंस करके उनके पास से मैं पैसे भी लूँगी। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने बहुत जोर से सिटी बजाई। मेरा नाम फौजिया है और मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरी समस्या ये है कि लोगों के घरों में पानी कम आना, जब बारिश होगी तब मैं वो पानी को इकट्ठा करूँगी, उसे हार्वेस्ट करूँगी, वो पानी का इस्तेमाल करके लोगों को 15 रुपए लीटर से दूंगी। वाटर हार्वेस्टिंग वो कहाँ पर करेगी और वहाँ पर कितना बारिश होगी? गुड पॉइंट। मैं खड्डा खोद सकती हूँ और उस खड्डे के अंदर एक टैंक रख सकती हूँ, जिसकी वजह से वो पानी उस टैंक में जमा हो सकता है। पानी बेचेगी वो क्या, प्लास्टिक के बॉटल में बेचेंगे? गुड पॉइंट। लोग अपना कुछ मींस बकेट या कुछ लाएंगे, एक लीटर का मैं ये डब्बा या कुछ ऐसा कुछ रख सकती हूँ बकेट, जिसकी वजह से मैं लोगों को बराबर पानी दे सकती हूँ। 8 out of 10, 7 out of 10। मेरा नाम प्रियंका कदम है, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरी समस्या यह है कि कचरा जो ड्राई गार्बेज होता है उसको मैं इकट्ठा करके रिसाइकल करने को दूंगी, जिससे मुझे पैसा मिलेगा, और जो गीला कचरा है वह मैं इकट्ठा करके उसको डीकम्पोज करूंगी और वो पेड़ पौधों को दूंगी। राज लक्ष्मी, कैसा लगा हमारा तीसरा स्क्रैपिंग बिजनेस प्लान, वो भी कचरे के ऊपर था? मुझे ये वाला बिजनेस प्लान भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो कचरा उठाएगी वो खुद अलग करेगी या किसी और को साथ में लेके अलग करेगी? ये भी गुड पॉइंट। मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ ड्राई कचरा और वेट कचरा दो डस्टबिन में डालूंगी और फिर वो और फिर हम लोग के सामने रिसाइकल वाला है तो उसको दे दूंगी। मेरा सवाल ये है कि जो सूखा गीला कचरा है वो हर रोज जमा करेगी कि हफ्ते में एक बार? हफ्ते में एक बार, संडे में। मेरा नाम रितिक है और मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे कम्युनिटी में वाईफाई नहीं है। मेरे घर पे वाईफाई का मॉडेम लगवाऊंगा और सबको वाईफाई सप्लाई करूँगा। ये मेरा घर है और ये ना मेरे घर के आसपास के पड़ोसी है जो मेरे वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, और मैं पूरे दिन का 20 रुपया चार्ज करूँगा ताकि उन लोग को भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो। ऋतिक जी ने पासवर्ड समद को दे दिया और समद ने मुझे पासवर्ड दे दिया, तो क्या ऋतिक जी का नुकसान नहीं होगा? अच्छा सवाल है, थैंक यू। मैं ना उन लोग को ही बताऊंगा जिस पे मेरे को भरोसा है। डियर ऑडियंस, कैसा लगा हमारा रैपिड फायर राउंड? कौन सी बिट बेस्ट लगी प्लीज